हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका वोकेब्लरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ स्नोनेम और एंटोनिम्स की और वोकेब्लरी सीरीज क्योंकि वोकेब्लरी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए चाहे वो एस बैंक आई हो चाहे वो एस हो चाहे वो एस क्लर्क हो वोकैबलरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंग्लिश टेस्ट क्योंकि वोकेबलरी के बिना ना तो आप रीडिंग कॉम्प्रेसन कर सकते ना सेंटेंस अरेंजमेंट कर सकते ना फिलर्स कर सकते क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा वोकेबलरी पर ही आधारित होता है तो इसलिए मैं बोकेबली की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री इस तरह के इस तरह से चलेगी ये तो इसमें मैं हंड्रेड वर्ड्स लूँगा और हंड्रेड वर्ड्स के सरो नेम और उसके स्रोने रिलेटेड वर्ड्स आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये तो पूरा वीडियो ये शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिए तो चलिए फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड शुरू करते हैं देखिए इसमें ये फर्स्ट वर्ड है एक्यूमलेट सॉरी फर्स्ट वर्ड है इसमें एक्यूमुलेट तो एक्यूमलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना ठीक है एक्यूमेलेट का मतलब कलेक्ट करना किसी चीज को इकट्ठा करना तो इसलिए इसका जो एंटीनेम होगा वो होगा स्केटर स्केटर इसका एंटोनेम होगा और इसके स्केटर के लिए एक वर्ड और है डिस्पर्स डिस्पर्स का मतलब भी होता है उसको बिखेर देना और स्केटर का मतलब भी वही है तो स्केटर और डिस्पर्स आपस में ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे स्केटर और डिस्पर्स और एक्यूमेलेट इसका एंटोनेम होगा तो नेक्स्ट वर्ड देखिए नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना और जब हम उत्सव नहीं मनाते तो हम मॉर्न करते हैं किसी का दुख मनाना तो सेलिब्रेट का एंटोनियम होगा मॉल्ड नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉशस कॉशस का मतलब केयरफुल कॉशस कौशन से बन, मिलकर बनाए सावधानी जिसको बोलते हैं तो यदि आप कॉशस नहीं है तो आप कैसे होंगे केयरलेस होंगे और केयरलेस के लिए दूसरा वर्ड है रैकलेस ये रैकलेस भी केयरलेस के लिए ही वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये नेक्स्ट वर्ड देखिए ब्रिटल ब्रिटल का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी डेलीकेट जो कोई चीज बहुत डेलीकेट है और आसानी से टूट जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकेबिल तो जो चीज ब्रेकेबल नहीं है वो होगी कोरेंट यानी अंदर से वो सॉलिड होगी नेक्स्ट वर्ड देखिए बोल्ड बोल्ड का वीक होता है या इसका होगा सबड्यूड सबड्यूड मतलब जो बोल्ड नहीं है उसको हम बोलेंगे वीक या सबमिसिव भी इसके लिए एक वर्ड होता है सबमिसिव ब्लस्टरिंग ब्लस्टरिंग का मतलब है नॉइजी या बोसी फेरस एक वर्ड है इसके लिए वी ओ सी आई एफ ई आर ओ यू यूएस बोसीफेरस तो ब्लस्टरिंग का मतलब होता है वोसी फेरस या नॉइजी और इसका एंटोम होगा जेंटल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए बायस Bias, बायस का मतलब होता है पार्शियल जो पक्षपात करता है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है इसलिए इसका एंटोनेम होगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है निष्पक्ष जो पार्शियल नहीं है एलेग्रिटी का मतलब अलर्टनेस और इसका एंटोनेम ऑब्वियसली होगा लेजीनेस एरोगेंट जो बहुत घमंडी है जो हम्बल नहीं है इसलिए इसका एंटोनेम क्या होगा हम्बल एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी कुछ कुछ लोग प्राउडी बोलते हैं लेकिन प्राउडी गलत वर्ड है प्राउडी इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है सही वर्ड है इसका एरोगेंट देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए चेक चेक का मतलब है किसी चीज को रोकना किसी चीज की रोकथाम करना और जब हम किसी चीज की रोकथाम नहीं करते हैं तो उसके लिए वर्ड है आपका प्रमोट प्रमोट करना उसको रोकथाम नहीं करना तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड देखते हैं ऑप्शनल ऑप्शनल का मतलब आप उसको ले भी सकते हैं और उसको आप छोड़ भी सकते हैं ऑप्शनल है वो आपके ऊपर है आप आप उसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं और उसको चूज भी कर सकते हैं जैसे सब्जेक्ट्स हम चुनते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं तो इसका एंट्रियम होगा मैंडेटरी देखिए मैंडेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी मैंडेटरी का मतलब है इसेंसियल मैंडेटरी का मतलब है कई सारे मैंने इसके आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ इनडिपेंसिबल भी होता है इसका एक वर्ड इनडिस्पेंसिबल इनडिस्पेंसिबल का मतलब है अनिवार्य और इनएबिटेबल भी होता है इसका एक वर्ड इनएबिटेबल मतलब जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता इनएबिटेबल तो मैंडेटरी क्या हो जाएगा इनएबिटेबल इनडिस्पेंसिबल कंपलसरी और इसेंशियल मैंडेटरी मीन्स इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी का मतलब, आ, मतलब है आप मित व्ययता पैसे को देख कर खर्च करना मित व्ययता और एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब है खर्चीला होना तो ये दोनों वर्ड आपस में एंटोनेम्स हैं एलिवेट एलिवेट का मतलब इंक्रेज करना डिप्रेस इसका एंटोनेम हो जाएगा डिस्करेज करना डेफिसिट किसी चीज़ की कमी को हम बोलते हैं डेफिसिट कि कोई चीज़ जितनी चाहिए उतनी ना हो के कम है या उसमें कोई रिडक्शन uh, आ गया है और नेक्स्ट वर्ड देखिए सरप्लस मतलब जरूरत से ज़्यादा है एक्स्ट्रा में है तो डेफिसिट का एंटोनेम होगा डिफाइंस का मतलब किसी को चैलेंज करना किसी की बात मानने से इनकार कर देना डिफाइंस और इसका एंटोनेम होगा ऑबीडियंस यानी उसकी आज्ञा मानना ओबीडियंस एंड नेक्स्ट देखिए डिलीजेंट यानी हार्ड वर्किंग और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा डिलीजेंस ठीक है और इसका हो जाएगा आपका एंटोनेम लेजी कंबाइंड दो, दो चीजों को जोड़ना स्प्लिट दो चीजों को तोड़ना डिमिनिस कम करना डिक्रीज करना या रिड्यूस करना किसी चीज़ को ऑब्वियसली इसका एंटोनिम क्या होगा इंक्रीज होगा बारबेरस बहुत क्रूअल व्यक्ति को बोलते हैं बारबेरस सिविलाइज सभ्य व्यक्ति को बोलते हैं ब्लंट ये उसकी धार के लिए यूज़ होता है किसी इक्विपमेंट की धार के लिए जैसे नाइफ की धार के लिए हम इसको यूज़ करते हैं तो ब्लंट जो शार्प नहीं है और इसका एंटोनिम हो जाएगा शार्प ब्लंट स्टेटमेंट के लिए भी यूज होता है हिज स्टेटमेंट वॉज वेरी ब्लंट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इस तरह से भी ये वर्ड यूज़ होता है नेक्स्ट वर्ड देखिए हेल्टर स्केल्टर हेल्टर स्केल्टर मतलब इन सिक्स एंड सेवन जो चीज अरेंज नहीं है जो चीज रेंडमली पड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर तो इसलिए इसका एंटोनेम हो जाएगा अरेंजड एक्सेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कई एग्जाम में कई बार आ चुका है ये एक्सेल्ट इसका मतलब है खुशी मनाना और इसका एंटोनेम ऑब्वियसली हो जाएगा लेमेंट लेमेंटेशन यानी दुख मनाना और यहाँ पर फिर से लिया है मैंने ये वर्ड लेमेंट और इसका एंटोनेम हो जाएगा रिजॉयस रिजॉइस का मतलब भी हैप्पीनेस होता है एक्सपोज एक्सपोज किसी को किसी के सीक्रेट्स हैं उसको खोल के रख देना एक्सपोज उसको बोलते हैं हम एक्सपोजर भी बोलते हैं और इसके लिए दो वर्ड और है एक तो है रिवील और एक है डिस्क्लोज रिवील का मतलब भी प्रकट करना होता है डिस्क्लोज का मतलब भी प्रकट करना होता है और जिसको हम प्रकट नहीं करते उसको हम क्या करते हैं उसको हम करते हैं कवर तो इसके लिए एक वर्ड और है कवर के लिए मैं दो तीन वर्ड और बता रहा हूँ एक होता है हाइड और एक होता है कंसील कंसील का मतलब भी छुपाना होता है तो इसलिए इसके बहुत सारे एंटोनियम और सिनोनिम्स मैं बता रहा हूँ आपको लेसिन लेसिन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना किसी चीज़ को डिक्रीज करना और इसका एंटोनियम हो जाएगा इन लार्ज किसी चीज़ को बढ़ाना लैंग्वेज बहुत कॉमन वर्ड है कई एग्जाम्स में आ चुका है लैंग्वेज का मतलब होता है लेजीनेस या लेजी एडजेक्टिव है और ऑब्वियसली इसका एंटोनियम हो जाएगा एनर्जेटिक लीनियंस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट नहीं होना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना नॉर्मल होना तो इसका एंटोनेम हो जाएगा आपका स्टिकनेस स्टिकनेस का जस्ट अपोजिट है लिनियंस या लिनियंसी भी बोलते हैं इसको मैग्नीफाई magnify, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है मैग्नीफाई साइज बढ़ा देना किसी चीज़ का मैग्नीफाई कर देना रिड्यूस का मतलब कम कर देना मॉडिरेशन का मतलब एक कोई किसी चीज़ का लिमिट में होना मॉडीरेशन ठीक है और एक्सेस का मतलब किसी चीज़ का जरूरत से ज़्यादा होना तो ये इसका एंटोनेम हो जाएगा रिफ्यूजल किसी चीज़ के बारे में मना कर देना किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना रिफ्यूजल नाउन हो गया ये और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसेंट यानी सहमति आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए सिनोनेम और एंटोनिम्स में यदि सिनोनेम नाउन है तो एंटोनिम भी नाउन फॉर्म में होगा यदि सिनोनेम एडजेक्टिव है तो एंटोनिम भी इसका एडजेक्टिव फॉर्म में होगा सेम फॉर्म में होने चाहिए ऐसा नहीं कि सिनोनेम आपका एडजेक्टिव है और एंटोनिम आपका आपने ले लिया नाउन फॉर्म में एक ही फॉर्म में वो होना चाहिए चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टॉलीरेंस किसी चीज़ को सहन करना आजकल ये बहुत वर्ड आ रहा है न्यूज़ में सहन करना और बायगॉट्री का मतलब होता है धर्मांधता एक ही धर्म को मानना उसके पीछे ही उसी को सब कुछ मानना बाकी धर्म को नहीं मानना तो उसको हम बोलते हैं बाइगोट्री यानी धर्मांधता तो टॉलीरेंस का एंटोनेम सही एंटोनेम होगा बाइगोट्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये माइज़र कंजूस को हम बोलते हैं माइज़र और जो कंजूस नहीं है उसको हम बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट माइज़र के लिए मैं दो वर्ड और बता रहा हूँ आपको एक होता है स्टिजी एस टी आई एन जी वाई एक होता है स्टिंजी और एक होता है पासिमोनियस ये होते हैं माइजर के लिए और स्पेंड थ्रिफ्ट के लिए एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा वेगेंट यानी खर्चीला ऑर्नेट का मतलब होता है सजाना जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं प्लेन का मतलब जो सजा हुआ नहीं है सिंपल है पंजेंट का मतलब शार्प जो स्मेल होती है उसको हम बोलते हैं पंजेंट और इंस्पिट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंस्पिट कई एग्जाम्स में आ चुका है इंस्पिट का मतलब होता है टेस्टलेस जिसमें टेस्ट नहीं है परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यूअस मैंने लास्ट टाइम भी एक लास्ट वीडियो में बताया था परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यूस इसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं परपेचुअल के लिए परपेचुअल मीन्स सीजलेस भी होता है परपेचुअल का मतलब इंसेसेंट भी होता है सीजलेस भी होता है परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूस तो ये इस बहुत सारे वर्ड हैं परपेचुअल के लिए पेरीनियल भी एक वर्ड है पेरीनियल परपेचुअल ये सारे वर्ड सीजलेस ये सारे वर्ड कंटिन्यूस के लिए हैं और जो चीज़ कंटिन्यूअस नहीं है वो कैसी होगी वो होगी एफी मेरल एफ़ी मेरल का मतलब है ट्रां ट्रांजिटियन या टेम्परेरी एफी मैरल मीन्स टेम्प्रेरी समथिंग दैट इज दैट इज नॉट कंटिन्यूस नेक्स्ट देखिए प्लेंटिफुल बहुत ज़्यादा यानी सफिसियंट उसको हम बोलेंगे प्लेंटिफुल और इसका एंटर हो जाएगा स्केर्स किसी चीज़ की कमी होना क्वैक डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो क्वालिफाइड नहीं है जिनके पास डिग्रीज नहीं है नीम हकीम जिनको हम बोलते हैं उसके लिए यूज होगा क्वैक और जो क्वैक नहीं है वो कैसा होगा क्वालिफाइड होगा एक्सपर्ट होगा तो इसलिए इसका हो जाएगा एक्सपर्ट फ्रीडम फ्रीडम मतलब आजादी स्लेबरी मतलब गुलामी स्लेब्स होते हैं रिकवर किसी बीमारी से रिकवर कर लेना और इसका उल्टा हो जाएगा रिलैप्स यानी वापस से आ जाना उस चीज का एक्सक्यूसिट मतलब बहुत ही यूनिक चीज बहुत ही अच्छी चीज डिटेस्टेबल बहुत बेकार चीज जिससे आप घृणा करते हैं उसको हम बोलते हैं डिटेस्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वेग

इस एग्रावेट का मतलब होगा वर्सन नेक्स्ट वर्ड देखिए रिजिस्ट रजिस्ट का मतलब क्या है कि विरोध करना और ईल्ड का मतलब है समर्पण कर देना ईल्ड प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चरल ईल्ड होता है मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उसके लिए भी वर्ड यूज होता है लेकिन यहां पर ईल्ड का मतलब है समर्पण कर देना इसके बाद टू आता है हमेशा और रजिस्ट का मतलब है आपका विरोध करना रिप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिप्रेस रिप्रेस का मतलब डिप्रेस डिप्रेस का मतलब डिस्करेज और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इनकरेज रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बेमन से करना बिना मन के करना मतलब उसके लिए एग्री नहीं होना और उसका दुख मनाना उसका होता है रिजेंटेड रिजेंटेड ही हैिविंग समिंग तो इस तरह से ये वर्ड यूज होता है रिजेंट ग्रेटिट्यूड का मतलब है एहसान मानना तो रिजेंटमेंट का ग्रेटिट्यूड होगा इसका होप उम्मीद डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट इन निराशा इल्यूमिनेट किसी चीज को रोशनी रोशनी देना या रोश प्रकाश देना प्रकाशमय करना उसको हम बोलेंगे इल्यूमिनेट इल्यूमिनेशन इसका डाउन फॉर्म हो जाएगा डार्क अंधेरा करना परसू जैसे हम अपना करियर परसू करते हैं किसी गोल का पीछा करना उसको हम बोलते हैं परसू अवॉइड उसको पूरी तरह अवॉइड करना रिस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ किसी चीज से रिलीफ मिल जाना और एग्जस्न का मतलब होता है रिलीफ नहीं मिलना थकान होना एग्जस्न फ्रंट फ्रंट का होगा फ्रंट का मतलब सामने रियर का मतलब पीछे रियर के लिए एक वर्ड और है हाइंड एच आई एन डी हाइंड लैक्स जैसे किसी एनिमल्स के होते हैं उसके लिए हम बोलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत कॉमन वर्ड है और ये आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्लोज पैसेज क्लोज टेस्ट में और इन सभी चीज़ों में uh, जो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं उसमें भी बहुत काम में आएंगे ये वर्ड्स आपके तो इस वीडियो को कई बार देखिए आप दो तीन बार देखिए ये सारे वर्ड आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो ये एक वीडियो मैंने हंड्रेड वर्ड्स का बनाया है पार्ट वन इसमें पार्ट टू पार्ट थ्री इस तरह से आगे से पूरी सीरीज चलाऊंगा मैं और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको और ज़रूर जरूर, जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे साथ जुड़िए सफलता के लिए हमारे साथ आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर थैंक यू